व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट, और वो भी कोई नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर नहीं। हम लोग सरवाइव करेंगे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज के बीच में, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि कुछ ही हिट्स के अंदर वो हमें मार सकते हैं। तो यार मजा काफी ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर होने वाला है इस गेम के अंदर। तो हाँ, वीडियो को पूरा देखना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको अपने 3 गोल बता देता हूँ जो कि मेरे को इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। तो मेरा पहला गोल होने वाला है अपने लिए एक काफी तगड़ा सा बेस बनाना। मेरा सेकंड गोल होने वाला है काफी ज्यादा तगड़ी गन्स बनाना अपने लिए, ताकि मैं ज़ॉम्बीज को इजीली मार पाऊं। एंड मेरा थर्ड टास्क होगा अपने लिए एक काफी तगड़ा वाला आर्मर बनाना, ताकि मैं ज़ॉम्बी से इजीली बच पाऊं। तो चलो यार, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए जल्दी से इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, फिलहाल फाइनली मैं इस वाले वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो चुका हूँ। एंड एक सेकंड भाई, मेरे स्पॉन होते ही मेरे को यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज दिख गए। वेट, अगर मैं वहाँ पे रुका ना तो ये सारे के सारे लोग मेरे को मार देंगे। खैर, यहाँ पे मेरे को एक विलेज तो दिख चुका है, एंड ठीक मेरे सामने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ से हमें काफी ज्यादा सही सही रिसोर्सेज मिल सकते हैं। बट हाँ, सबसे पहले तो मेरे को अपने लिए कुछ टूल्स बनाने होंगे, ताकि मैं इन ज़ॉम्बीज को पहले मार सकूं। फिलहाल अभी आसपास मेरे को कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा है। जल्दी से इस वाली बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। भाई यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी ना हो बस, कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी है। जल्दी से यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे को एक बैट मिल चुका है, बैट पकड़ते हैं। एंड यहाँ पे स्टिक्स वगैरह कुछ मिल चुकी हैं। ओके वेट, इसने डोर तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। वेट, मेरे हिसाब से ना गड़बड़ है कुछ इस वाले वर्ल्ड के अंदर। जो ज़ॉम्बीज है वो ब्लॉक्स तक तोड़ सकते हैं। भाई मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा खतरनाक होगा। यार ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, बट जो भी है जल्दी जल्दी सारा सारा सामान लेती हैं। फिलहाल यहाँ पे कंप्यूटर है, ये तो मेरे को नहीं चाहिए। एंड अभी जल्दी से बाहर चलते हैं। अब यार मेरे स्पॉन होते ही यहाँ पे कितना ज्यादा इंटेंस सीन हो गया। लेट्स गो गाइस, जल्दी से पहले तो इस वाले विलेज के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे है गोलम जो कि मेरे को इन वाले ज़ॉम्बी से ना प्रोटेक्ट करेगा। भाई मेरे पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अबे गोलम कहाँ है, अबे गोलम को भी मार दिया गया इन्होंने। फिलहाल गाइस मैं उस वाले विलेज से भाग के यहाँ पे तो आ चुका हूँ, बट मेन दिक्कत ये है कि ये जो ज़ॉम्बीज है ना, जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। फिलहाल मैं भाग के यहाँ पे तो आ चुका हूँ, एंड अभी खैर मेरे पीछे एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। यहाँ पे खैर मेरे को मिली है एक चेस्ट, जिसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा सही सही सामान मिला है। जल्दी से सारे सारा सामान लूटते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को टॉर्चेस भी चाहिए होंगी गाइस। तो फिलहाल मेरे पास 4 टॉर्चेस आ चुकी है। एंड अभी जल्दी से बनाते हैं अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल। एंड अभी मेरे को जल्दी से अपने लिए ना एक स्वॉर्ड बनानी होगी, बस कोई ज़ॉम्बी ना आ जाए यहाँ पे। ऑलराइट, फाइनली अपने पास एक वुडन स्वॉर्ड आ चुकी है। एक सेकंड, यहाँ पे तो स्टोन भी है, हम अपने लिए स्टोन की स्वॉर्ड भी बना सकती हैं। काम करते हैं, जल्दी से अपने लिए स्टोन की स्वॉर्ड बनाते हैं। एंड यस, ये ज्यादा सही है। फिलहाल गाइस सबसे पहले तो मेरे को काफी ज्यादा वुड चाहिए होगी, क्योंकि मेरे को अभी ना अपने लिए एक छोटा सा बेस बनाना है। एंड उसके बाद हम चलेंगे माइनिंग के लिए, क्योंकि मेरे को अपने लिए उसके बाद आर्मर भी बनाना होगा, क्योंकि बिना आर्मर के जो ज़ॉम्बीज हैं वो मेरे को काफी इजीली मार पा रहे हैं। वेट, मेरे को लगता है मेरे पीछे ज़ॉम्बी पड़ गया है। अबे यार ये छोटा सा ज़ॉम्बी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाता है। इसको खैर मैं मार देता हूँ जल्दी जल्दी, इसको तो मैंने मार दिया है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से ना पहले मैं वुड कलेक्ट करता हूँ। आसपास कोई और ज़ॉम्बी तो नहीं है यार, कि वहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। ओ, अभी ये कहाँ से आ गया। अभी यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज पड़ गए मेरे पीछे। अबे यार ये ज़ॉम्बीज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। ऑलराइट गाइस, फिलहाल फाइनली मैं ना इस वाली बिल्डिंग के छत के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज है ना वो सही में मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल आज की रात तो मेरे को इसी वाली बिल्डिंग के छत के ऊपर बितानी होगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ। खैर गाइस, अपना बेड तो रेडी हो चुका है, जल्दी से इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एंड आसपास ना मैं 2-3 टॉर्चेस लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। ओके, तो ये चीज सही है। हाँ, यहाँ पे अगर एक भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके लेट्स गो। फिलहाल ये क्या है आसमान में। ओके, ये कितना ज्यादा सही है, बट चलो छोड़ो, अभी हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी से जाके सो जाते हैं। वेट, अबे यार अभी हम यहाँ पे सो नहीं सकती हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आसपास ना काफी ज्यादा मॉन्स्टर है। अबे यार गड़बड़ हो गई, अभी मैं ना यहाँ पे सो नहीं सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ना मैं ज़ॉम्बी से सेफ हूँ, तो अपनी पूरी पूरी रात यहीं पे बिताती हैं। एंड कल मेरे को किसी भी कीमत के ऊपर अपने लिए एक छोटा सा बेस बनाना होगा, एंड उसके बाद हम माइनिंग के लिए चलेंगे। लेट्स गो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है, एंड मैं उस वाली बिल्डिंग से नीचे भी आ चुका हूँ। एंड अब जल्दी से ना पहले तो मैं अपने लिए वुड कलेक्ट करता हूँ। वेट, कोई ज़ॉम्बी तो नहीं आ रहा है, कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आसपास। जल्दी जल्दी ये वाली वुड कलेक्ट करती हैं। ऑलराइट, फिलहाल अपने पास ना ठीक ठाक अमाउंट के अंदर वुड तो आ चुकी है।
एंड अभी जल्दी से ना एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढती हैं एंड वहाँ पे अपना एक छोटा सा बेस बनाती हैं। एंड मैं जो अपना बेस होगा ना वो एक काफी बड़ी सी लोकेशन के ऊपर बनाऊंगा जो कि एकदम खुली खुली लोकेशन होगी, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अगर मेरे पास भी आने की कोशिश करे ना तो मेरे को दूर से ही दिख जाए। लेट्स गो गाइस, मेरे हिसाब से ये वाली जो लोकेशन है ये बेस्ट होगी अपना बेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं सारी ग्रास को हटा देता हूँ ताकि कोई भी ज़ॉम्बी ना इन ग्रास के पीछे छुप ना पाए और मैं इजिली ज़ॉम्बीज को दूर से देख लूँ। तो लेट्स गो, जल्दी से पहले तो इन ग्रास को हटाती है और उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक बाउंड्री बनाने वाला हूँ जो कि मेरे बेस की बाउंड्री होगी। राइट गाइस, फाइनली फिलहाल मैंने पूरे एरिया को एकदम प्लेन कर दिया है एंड अभी जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं फेंस। मेरे हिसाब से फेंस की बजाय अगर हम प्लैंक लगाएं तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जो ज़ॉम्बीज है ना वो लोग गेट तक तोड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे फेंस को भी तोड़ दें। तो इसलिए काम करती है यहाँ पे ना प्लैंक लगा देती है। खैर अभी तो मेरा बेस काफी ज्यादा छोटा सा होगा क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, बट धीरे धीरे मैं इसको काफी ज्यादा बड़ा कर लूंगा। ऑलराइट, तो फाइनली फिलहाल मैंने अपने बेस को थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया है। खैर अभी उतना बड़ा बेस तो नहीं है, बट हाँ मेरे पास प्लैंक्स काफी ज्यादा कम है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ अपना बेस इतना ही बड़ा बनाने वाला हूँ एंड मुझे लगता कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी मॉब चढ़ पाएगा। ऑलराइट गाइस, फिलहाल फाइनली अपना बेस मैंने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे मैंने डोर्स भी लगा दिए हैं। वेट, अभी ये कहाँ से आ गया? ओके, ये कौन सा ज़ॉम्बी था? ये तो पंछी के ऊपर बैठ के आया था। इसका मतलब ये है कि अभी ना हम यहाँ पे भी सेफ नहीं है। अब यार सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी है, तो जितने भी खतरनाक ज़ॉम्बीज़ हैं ना अभी वो स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अबे यार ये तो गड़बड़ हो गई। शिट 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 शिट, गड़बड़ हो गई। अभी ये तो मेरा डोर तोड़ रहा है शायद। अबे यार ये क्या है, ये लोग तो इजीली मेरे बेस के अंदर घुसे जा रहे हैं। ओके, ये वाला ज़ॉम्बी तो गया, मेरे को ना उस वाले पोर्शन को जल्दी से कवर करना होगा। लेट्स गो, इसको मैंने कवर कर दिया है। अबे यार यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, जल्दी से पहले तो टॉर्चेस लगानी होगी एंड इसको मारते हैं पहले तो। अभी छोटा वाला भी आ गया, की भी गया। मेरे को जल्दी से एप्पल खाना होगा क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो रही है। खैर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे ना उन सभी को मैंने मार दिया है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे भी नहीं सो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। फिलहाल मैं अभी एक चीज सोच रहा हूँ, क्यों ना अभी माइनिंग के लिए जाया जाए, क्योंकि इस वाले एरिया के अंदर मुझे लगता कोई अभी ज़ॉम्बी आ पाएगा और वैसे मेरे को काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत भी है, तो मेरे हिसाब से ना अभी हमें माइनिंग के लिए जाना चाहिए। तो लेट्स गो, जल्दी चलते हैं एंड एक काम करते हैं, जल्दी से ना अपने लिए एक स्टोन की पिकेक्स बना लेती हैं ताकि स्टोन्स को मैं इजीली तोड़ पाऊँ। तो लेट्स गो। ओके, तो फाइनली फिलहाल मैं इस वाले केव के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा आयरन दिख चुका है, ये चीज सही है। लेट्स गो भाई, आसपास बस कोई ज़ॉम्बी ना हो। खैर एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे मेरे को आयरन मिल चुका है एंड अभी मैं अपने लिए काफी ज्यादा तगड़े वाले आर्मर बना सकता हूँ। तो लेट्स गो, और वैसे बिना आर्मर के इन वाले ज़ॉम्बी से फाइट करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, मतलब एक हिट के अंदर ही हमारे आधे हार्ट कम कर देती हैं, जो कि सही में काफी ज्यादा होते हैं। मेरे पास खैर 10 आयरन के ओर्स आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं जल्दी से ना इनको स्मेल्टिंग के लिए लगा देती हैं। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने अपने लिए आयरन की स्वॉर्ड बना ली है एंड अभी जल्दी से बनाते हैं अपने लिए आयरन की पिकेक्स। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल जल्दी से मैं अपने लिए बना लेता हूँ आयरन का हेलमेट। फाइनली अपने पास अपना पहला आर्मर आ चुका है, जल्दी से अभी थोड़ी और माइन करती हैं क्योंकि अभी मेरे को काफी ज्यादा आयरन चाहिए होगा। लेट्स गो, नीचे जाना होगा अभी हमें और। एंड यस, यहाँ पे मेरे को थोड़ा और आयरन मिल गया। अगर मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल जाएंगे ना तो सही में काफी ज्यादा सही चीज हो जाएगी गाइस। तो फिलहाल मेरे पास अभी ना 25 आयरन के ओर्स आ चुके हैं एंड अभी मैं अपना पूरा पूरा आयरन का आर्मर सेट बना सकता हूँ। लेट्स गो, जल्दी से मैं अपना पूरा पूरा आयरन का आर्मर सेट बनाता हूँ, बट उससे पहले काफी ज्यादा सही चीज हो चुकी है। यहाँ पे मेरे को मिल चुका है माइनशाफ्ट, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है एंड आपको तो पता ही है कि माइनशाफ्ट के अंदर काफी ज्यादा सही रिसोर्सेज हमें मिल जाती हैं। क्या पता यहाँ से हमें डायमंड भी मिल जाए। एंड ये पता नहीं कौन सा मेटल है जिसका नाम है डार्क मेटल ओर, मे भी शायद इससे भी कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा, तो इसको भी ले लेते हैं। लिटरली मेरे को यहाँ से कुछ ज्यादा ही आयरन मिल रहा है यार। एंड यस, यहाँ से मेरे को रेडियम की ओर मिल गई। लेट्स गो, जल्दी से चेक करते हैं कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ओके, तो मेरे को नहीं पता कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, बट जो भी है क्या पता आगे चल के हमें ये काम आ जाए, तो इसको भी ले लेते हैं। लेट्स गो, फिलहाल यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है रूबी की ओर एंड मुझे नहीं पता कि रूबी से भी क्या होता है, बट जो भी है न्यू चीजें मिल रही है तो इन सभी को ले लेते हैं। लेट्स गो गाइस, अब फिलहाल जल्दी से मैं अपने लिए काफी ज्यादा आयरन के इनगॉट बनाता हूँ ताकि उनकी मदद से मैं अपना पूरा पूरा आयरन का आर्मर सेट कर पाऊँ। फिलहाल अपने सारे फर्नेस काम पे लग चुके हैं एंड अभी मेरे को ना कुछ ही देर के अंदर काफी ज्यादा आयरन मिलने वाला है। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने अपना पूरा का पूरा आयरन का आर्मर सेट कंप्लीट कर लिया है एंड अपने पास आयरन की स्वॉर्ड भी आ चुकी है। खैर अभी जल्दी से अपने लिए एक शील्ड बनाते हैं। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल हम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है एंड अब मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बीज मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएंगे। ओके, यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है एक टाइटन की ओर, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे नहीं पता कि हम इससे क्या क्या चीजें बना सकते हैं, बट जो भी है काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है, इसको भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को थोड़े और टाइटन की ओर मिल चुकी है। खैर अभी अपने पास आयरन का आर्मर भी हो चुका है, अपने पास आयरन की स्वॉर्ड भी है, तो अभी फिलहाल मेरे को ज्यादा आयरन की जरूरत नहीं है।
अभी मेरे को काफी ज्यादा स्टोन चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को अपने पूरे के पूरे बेस को स्टोन का बनाना है, तो उसके लिए लिटरली मेरे को काफी ज्यादा स्टोन चाहिए होगा। लेट्स गो गाइस, फाइनली फिलहाल मैं माइंड से वापस आ चुका हूँ एंड अभी जल्दी जाके सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह मेरे को अपने पूरे के पूरे बेस को रीबिल्ड करना है। फिलहाल गाइस मैंने एक चीज तो देखी है कि ये जो लोकेशन है ना, मतलब उतनी भी ज्यादा सही नहीं है, मतलब मेरे को ना ये लोकेशन सही नहीं लग रही है, तो अभी फिलहाल मैं अपना जो बेस है ना वो यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ, एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढ के वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे। और वैसे भी इसके अंदर कोई ज्यादा खास सामान लगा नहीं है, तो मैं इसको इजीली छोड़ के जा सकता हूँ, मेरे को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। ओके शिट यार, वहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वेट, अभी यार ये तो मेरे पास आ रहे हैं, गड़बड़ होगी। नहीं, ओके तो यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ चुके हैं। फिलहाल इनको मारना काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि अपने पास आयरन की स्वॉर्ड है, और वैसे भी अब ये मेरा कुछ ज्यादा बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। लेट्स गो गाइस, अब फिलहाल मैंने सोचा है मैं अपना बेस इस वाले लोकेशन के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी लोकेशन है एंड यहाँ पे पहले से ही ना काफी ज्यादा सही सही स्टोन ब्रिक्स लगी हुई है, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है, और ये एकदम प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे अपना बेस काफी ज्यादा बड़ा भी बन पाएगा। तो लेट्स गो, सबसे पहले तो मैं अपनी ना यहाँ पे बाउंड्री बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अपने पास सामान तो पहले से काफी ज्यादा है। ओके तो लेट्स गो, मेरे को ना अपनी पूरी पूरी बाउंड्री पहले बनानी होगी अपने चारों तरफ। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैंने पूरी पूरी बाउंड्री यहाँ पे बना दी है, खुद देखो यार ये कितना ज्यादा बड़ा एरिया है, बस इतनी सी बाउंड्री बची हुई है, तो जल्द से पहले इसको कम्प्लीट करते हैं। उसके बाद मेरे को ना यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी वॉल्स बनानी होंगी एंड फिर बीच में मैं अपना एक छोटा सा बेस बनाऊंगा। वैसे इतने बड़े बेस की हमें जरूरत तो है नहीं, पर तब भी बना लेती हैं। लेट्स गो, फिलहाल मैं जो अपनी दीवार है ना वो कुछ इतनी लंबी बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इतनी बड़ी दीवार होगी ना तो कोई भी ज़ॉम्बी मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। ऑलराइट गाइस, फिलहाल फाइनली मैंने अपना बेस पूरा रेडी कर लिया है। फिलहाल इसकी मैंने बाउंड्री पहले से थोड़ी छोटी कर दी है एंड जितना मेरे पास आयरन था उन सबको स्मेल्ट करके मैंने उनके बनाए थे आयरन फेंस एंड उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। फिलहाल मैं सारे की सारी चीजों को तो कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा आयरन नहीं था और साथ में मेरा सारा का सारा स्टोन भी खत्म हो चुका है, तो भी मेरे को दोबारा से माइनिंग के लिए जाना होगा। बट जो भी है, अभी अपना बेस काफी ज्यादा सही लग रहा है एंड अपना बेस लिटरली काफी ज्यादा बड़ा बनने वाला है। हाँ ये सब बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो चलते हैं सीधा माइनिंग करने के लिए। तो काम करते हैं, यहीं से खोदना स्टार्ट कर देती है, मुझे सही में काफी ज्यादा स्टोन चाहिए। ऑलराइट गाइस, फिलहाल अभी मैं काफी ज्यादा डीप आ चुका हूँ, क्योंकि अभी मेरे को काफी ज्यादा डायमंड चाहिए होंगे, क्योंकि अभी मेरे को अपने पूरे के पूरे आर्मर सेट को डायमंड के अंदर कन्वर्ट करना है और साथ में जितने मेरे टूल्स होंगे उन सभी को मेरे को डायमंड का बनाना है। फिलहाल एक चीज अच्छी है कि यहाँ से मेरे को काफी ज्यादा रेड स्टोन मिल चुकी है एंड अभी हम इजिली अपने लिए काफी ज्यादा सही सही गन्स वगैरह भी बना सकते हैं। राइट गाइस, फिलहाल फाइनली आधे घंटे की माइन के बाद अब जाके मेरे को डायमंड्स मिले हैं। फिलहाल ये काफी ज्यादा सही चीज है, तो लेट्स गो जल्दी से अपने डायमंड्स को लेते हैं, आगे तो खैर लावा है तो वहाँ पे माइन करना बेकार होगा। लेट्स गो, फिलहाल जल्दी से थोड़े और डायमंड फाइंड करती है एंड देन सीधा चलते हैं अपनी बेस की तरफ एंड अपने बेस को पूरा कम्प्लीट करती है। लेट्स गो, मेरे को थोड़े और डायमंड मिल गए एंड अभी फिलहाल मेरे पास टोटल 6 डायमंड्स हो चुकी हैं एंड अभी जल्दी से अपने घर के अंदर वापस चलती हैं एंड अपने बेस को जल्दी से कंप्लीट करती हैं। ऑलराइट गाइस, फिलहाल फाइनली मैं अपने घर के अंदर वापस आ चुका हूं एंड आते ही यहां पे मेरे को मिल चुके हैं 3 ज़ॉम्बीज। खैर जल्दी से इन सभी को मारती हैं, क्योंकि इनको मारना अब काफी ज्यादा इजी है एंड जितना भी सामान मेरे को केव से मिला था उन सभी को मैंने यहां पे रख दिया। सबसे पहले तो अभी अपने लिए बनाते हैं डायमंड की स्वॉर्ड एंड देन बनाते हैं डायमंड की पिकैक्स। लेट्स गो, अभी खैर मेरे को काफी ज्यादा आयरन चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को सारी की सारी वॉल्स जो है ना वो आयरन फेंस की बनानी है, तो लेट्स गो जल्दी से बनाती है। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने सारी फेंस का काम भी कंप्लीट कर दिया है एंड अभी खैर अपनी वॉल्स जो है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ज़ॉम्बी इसके अंदर आ पाएगा एंड अभी खैर मेरे को अपने घर का काम कंप्लीट करना है, क्योंकि इस बेस के अंदर मैं कहीं ना कहीं तो रहूंगा ही, तो उसके लिए मेरे को एक छोटा सा घर चाहिए होगा। तो लेट्स गो जल्दी से अपना एक घर बनाती है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो घर होगा ना वो इस लोकेशन के ऊपर बनाया जाए, कि यहीं पे मेरे को अपना एक छोटा सा फार्म भी बनाना है, साथ ही साथ एक माइनिंग की जगह भी बनानी है और 2-3 चीजों के लिए मेरे को स्पेस चाहिए होगी, तो वो जगह एकदम सही रहेगी अपना घर बनाने के लिए। फिलहाल जो घर होगा ना वो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, बट हाँ जो जो चीजें मेरे को चाहिए होंगी वो सारी सारी उस वाले घर के अंदर होगी। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने अपना पूरा घर कंप्लीट कर लिया है एंड अभी फिलहाल ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं ज्यादा बड़ा घर बनाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी घर के अंदर हमें सिर्फ सोना ही होता है और थोड़ा मोड़ा हमें सामान रखना होता है, बस उसी के लिए घर चाहिए होता है, तो इसलिए इतना घर बहुत है। फिलहाल ये अपना बेडरूम एंड वो वाली लोकेशन है वहाँ पे मैंने अपना पूरा स्टोरेज रूम साथ में फर्नेस रूम रख लिया है। गाइस तो फिलहाल अभी मेरे को अपने लिए काफी ज्यादा गन्स वगैरह बनानी है, ताकि मैं ज़ॉम्बीज को इजीली मार पाऊँ, तो लेट्स गो जल्दी से बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक वर्कबेंच बना लिया था, जो कि काफी इजीली बन जाता है आयरन की मदद से एंड अभी बस मेरे को गन्स वगैरह बनानी है, तो लेट्स गो जल्दी से अपना सारा आयरन लेते हैं। खैर एक तो मैं मिनी गन बनाने वाला हूँ और साथ में मेरे को चाहिए होगी एक असॉल्ट राइफल एंड अभी मेरे को इन सब के एमओस बनाने होंगे, तो उसके लिए मेरे को काफी ज्यादा गन पाउडर चाहिए होगा।
और साथ में आयरन नगेट्स। लेट्स गो गाइस, अब फिलहाल जितने भी मेरे पास गन पाउडर है उन सभी के बना लेते हैं अपने लिए बेसिक एमोस। फिलहाल मेरे पास टोटल इतने सारे एमोस आ चुकी है एंड मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है, तो लेट्स गो जितना फालतू सामान है वो सारे यहाँ पे रखती है। एंड मैंने शील्ड भी बनाई थी, वो कहाँ गई? ओके ये रही। एंड अभी खैर मैं जल्दी से जाने वाला हूँ अपनी सिटी के अंदर एक्सप्लोर करने, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी सिटी ढंग से देखी भी नहीं है कि ये सिटी कैसी दिखती है। तो लेट्स गो जल्दी से इस वाली सिटी के अंदर चलती हैं। फिलहाल जो भी है अभी मैं ना ज़ॉम्बीज को काफी इजीली मार पाऊंगा क्योंकि अपने पास काफी तगड़ी वाली गन है, तो लेट्स गो इनको मार के देखती हैं। ओके तो दो शॉट के अंदर ही गया, ये सही है। फिलहाल अभी जल्दी से ना इन सारी सारी बिल्डिंग के अंदर चलती है, देखते हैं कि इन बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेट्स गो, तो जल्दी से इन सारे सारे ज़ॉम्बीज को मारती है। के लिटरली यार मशीन गन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मतलब इनको काफी जल्दी जल्दी मार रही है। गाइस यहाँ पे ना कई सारे ऐसे ज़ॉम्बीज हैं जिनकी जो हेल्थ है ना वो 150 से भी ज्यादा है, बट स्टिल जो हमारी मशीन गन है ना ये उसको कुछ ही शॉट्स के अंदर मार दे रही है, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। बट हाँ जो भी, अब जल्दी से ना किसी बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोर करने चलती है, कुछ ना कुछ नया नया सामान इन बिल्डिंग्स के अंदर से लेके आती है, क्योंकि हो सकता है कि हमें इन वाली बिल्डिंग से काफी ज्यादा सही से सामान मिल जाए। के तो हम इस वाली गन से ना इन वाले ग्लास को भी तोड़ सकती है। ओके इस वाली चेस्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेट्स गो ऊपर चल के देखती है कि यार ऊपर भी कुछ नहीं है। तो जल्दी से ना पहले तो इस वाली बिल्डिंग के अंदर चलती है। खैर यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिली है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। भाई कुछ तो मिल जाओ। शिट, भी कहाँ से आ गया ज़ॉम्बी? तो मैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ, गड़बड़ होगी। अबे कितने ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पे, बिल्डिंग के अंदर जाना सही में काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। एक सेकंड, वे कितने ज़ॉम्बीज़ हैं? शिट, गड़बड़ होगी। वेट गाइस, रात होने वाली है और रात में सारे ज़ॉम्बीज़ ना कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अबे मैं मर जाऊंगा, मेरे को जल्दी से घर के अंदर जाना होगा। मेरे पीछे ज़ॉम्बी तो नहीं? अबे कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज़ है मेरे पीछे। शिट, मैंने गड़बड़ कर दी, मेरे को बाहर नहीं आना चाहिए था। ओके मेरे हिसाब से मेरे पीछे अब कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होगा। जल्दी चलो, जल्दी 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 ऊपर चलो भाई। ऑलराइट, मुझे नहीं लगता कोई भी ज़ॉम्बी अब मेरे पीछे है। भाई साहब मैं कितनी मुश्किल से बचाऊं, अगर एक सेकंड के लिए भी देरी हो जाती ना तो लिटरली वो मेरे को मार देते। भाई हाफ हार्ट से बचाऊं मैं यार, आगे से ऐसे उल्टे सीधे पंगे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर कुछ भी होता ना तो मैं सीधा मरता। फिलहाल गाइस अभी रात तो हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से अभी मेरे को ना अपने बेस के ऊपर जाना चाहिए। बट मेन दिक्कत ये है कि अभी रात है और सारे ज़ॉम्बीज़ कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होंगे, तो अगर अभी मैं नीचे जाऊंगा तो हो सकता है कोई ना कोई ज़ॉम्बी मेरे को मार दे। तो एक काम करते हैं, आज की रात हम इसी वाली छत के ऊपर बिताते हैं, कल सुबह जल्दी से अपने बेस के ऊपर चलेंगे। ऑलराइट तो गाइस फिलहाल फाइनली सुबह तो हो चुकी है, अभी मेरे को ना जल्दी से पहले तो नीचे जाना होगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि नीचे कोई भी ज़ॉम्बी तो नहीं है। फिर मेरे को तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा है, तो जल्दी से पहले नीचे चलते हैं। अपनी गन मैं ना पकड़ के रखता हूं, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं। ओके फिलहाल इस वाली बिल्डिंग से मैं बाहर आ चुका हूं, मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी है। अबे यार ये बारिश क्यों स्टार्ट हो गई, ये भी एकदम गलत टाइम पे स्टार्ट होती है। शिट यार, खैर एक चीज अच्छी है कि मेरे पीछे ज्यादा ज़ॉम्बीज़ नहीं पड़े। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैं बेस के ऊपर आ चुका हूँ। गाइस तो फिलहाल अभी मेरे को अपने बेस के बाहर ना एक फार्म बनाना होगा, तो उसके लिए मेरे को काफी ज्यादा डर्ट चाहिए होगी, तो लेट्स गो जल्दी से डर्ट लेके आते हैं। अबे यार मेरे को दोबारा से बाहर जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चलते हैं। अभी ये कौन आ रहे हैं? अभी चिकन के ऊपर बैठ के ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, ये अलग नाटक चल रहा है इनका। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से पहले तो डर्ट लेके आते हैं। खैर डर्ट मेरे को यहाँ से तो नहीं मिलेगी। ओके तो यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं, पक्का यहाँ से मेरे को डर्ट मिल जाएगी। लेट्स गो जल्दी जल्दी सारी डर्ट लेते हैं, बस कोई ज़ॉम्बी तो नहीं आ रहा। ओके कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, ये चीज सही है। फिलहाल जल्दी से अपने लिए एक फार्म बनाते हैं ताकि अपने को फूड की कोई भी कमी ना हो। तो फिलहाल अपना फार्म जो है वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगी पिकेक्स, तो जल्दी से पहले पिकेक्स लेके आते हैं। अभी ये कहाँ चढ़ा हुआ है ज़ॉम्बी? सो गाइस फाइनली मैं अपने लिए पिकेक्स लेके आ चुका हूँ, एंड जल्दी से ये वाला पोर्शन तोड़ती है एंड यहाँ पे जल्दी जल्दी डर्ट लगाते हैं, ताकि यहाँ पे हम अपने सारे वेजिटेबल को ग्रो कर पाए। फाइनली अपना फार्म पूरा रेडी हो चुका है, जल्दी से इसको हो करते हैं एंड जितने वेजिटेबल है वो सारे यहाँ पे लगा देते हैं। ऑलराइट तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल लगा दिए हैं, एंड अभी अपने फार्म का, घर का और बेस का काम तो कम्प्लीट हो चुका है। एंड अभी खैर मेरे को बनाना अपने लिए काफी ज्यादा खतरनाक आर्मर, जिसका नाम होने वाला है एल्थमोडियम। एंड ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं होने वाला, ये होने वाला है एल्थमोडियम आर्मर, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका आर्मर लेवल 200 से भी ज्यादा है। एंड अगर आपको पता हो तो जो डायमंड आर्मर होता है उसका जो प्रोटेक्शन लेवल होता है वो सिर्फ 8 होता है, बट जो एल्थमोडियम का आर्मर है इसका 200 से भी ज्यादा है, जो कि सही में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो लेट्स गो जल्दी से पिकेक्स लेती है, अब सीधा चलती है एल्थमोडियम की ओर को फाइंड करने के लिए। फिलहाल जो एल्थमोडियम की ओर होती है ये हमें वाटर से मिलती है, एंड वाटर तो आसपास काफी ज्यादा है, तो हमें यहाँ से इजीली एल्थमोडियम की ओर मिल जाएगी। गाइस तो फिलहाल अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव बेस और इतने खतरनाक टूल्स क्यों बना रहा हूं? तो मैं आपको बता दूं कि जब डे 100 होगा उस दिन होगा ब्लड मून, यस, एंड उसी दिन हमें ज़ॉम्बीज़ का सबसे ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा। उस दिन लिटरली ज़ॉम्बीज़ हमारे बेस को पूरा बर्बाद करने वाले हैं, एंड ब्लड मून वाले दिन ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो हमारे बेस तक को तोड़
सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जॉम्बीज हैं वो इजीली हमारे डोर्स तक को तोड़ रहे हैं, ब्लड मून वाले दिन वो इजीली हमारे स्टोन की ब्रिक्स को भी तोड़ पाएंगे। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इतना आगे पहुंच के डे 100 वाले दिन मैं मर जाऊँ, तो इसलिए मेरे को अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा ताकि डे 100 वाला ब्लड मून मैं इजीली सर्वाइव कर पाऊँ। लेट्स गो। फाइनली फिलहाल मैं वाई लेवल 40 पे पहुंच चुका हूँ एंड जो एल्थमोडियम होता है वो हमें वाई लेवल 5 से लेके वाई लेवल 45 के बीच में मिलता है। खैर जो एल्थमोडियम हमें यहीं कहीं आसपास ही मिलेगा, तो जल्दी जल्दी खोदते हैं एंड देखते हैं कि हमें एल्थमोडियम कहाँ पे मिलता है। लेट्स गो। फाइनली गाइस मेरे को यहाँ पे एल्थमोडियम मिल चुका है। खैर अभी मेरे को टोटल 24 एल्थमोडियम इन गॉड चाहिए होंगे तभी मैं अपना पूरा आर्मर सेट कम्प्लीट कर पाऊंगा, बट अभी तो मेरे पास सिर्फ 4 एल्थमोडियम है तो मेरे को 20 और ढूंढने होंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरे को थोड़े और एल्थमोडियम मिल चुके हैं, आसपास चेक करते हैं क्या पता और मिल जाए। खैर गाइस अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 एल्थमोडियम के इनगॉट और चाहिए होंगे जो कि मैं इजीली ढूंढ लूंगा एंड उसके बाद अपना पूरा एल्थमोडियम का आर्मर सेट कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गो गाइस। फाइनली मेरे को दोबारा से एल्थमोडियम मिल चुके हैं एंड अब जल्दी से इनको तोड़ते हैं। ओके तो फाइनली अपने पास 25 एल्थमोडियम आ चुके हैं एंड वेट मेरे घर के आगे कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, वो सबको मारना होगा। ओके इन सबको मैंने मार दिया है, मेरे पीछे तो नहीं है कोई। ओके सारा पहले तो एक्सपी कलेक्ट करती है एंड लेट्स गो जल्दी चलते अंदर एंड अब खैर जल्दी से बनाते हैं अपने लिए एल्थमोडियम का आर्मर। ऑलराइट तो अपनी चेस्ट प्लेट बन चुकी है, जल्दी से बाकी सारा सामान भी बनाते हैं। लेट्स गो। फाइनली अपने पूरे का पूरा एल्थमोडियम का आर्मर किट रेडी हो चुकी है एंड हम लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब जल्दी से बाहर चल के देखते हैं कि अभी हमें ज़ॉम्बीज कुछ कर पाते हैं कि नहीं, क्या इनका डैमेज अभी भी हमें होता है। फिलहाल इनका बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा है मेरे को। नहीं थोड़ा डैमेज हो रहा है, मतलब वैसे तो ये मार देंगे मेरे को, बट जो भी है ना पहले से काफी कम हो चुका है। खैर अभी गाइस मेरे को काफी ज्यादा एंडर पर्ल चाहिए होंगी क्योंकि मेरे को अभी बनाना है एक टरेट। अब फिलहाल टरेट एक तरह की मशीन गन होती है जो कि ऑटोमेटिकली सारे ज़ॉम्बीज को डिटेक्ट करके मारती है एंड ये मेरे को अपने बेस के चारों तरफ लगाना है, तो उसके लिए मेरे को काफी ज्यादा एंडर पर्ल चाहिए होगी। तो यार एंडर पर्ल तो मेरे को एंडरमैन को मारने के बाद ही मिलेगी, तो उसके लिए मेरे को जाना होगा सीधा नेदर। तो लेट्स गो जल्दी से, पहले तो अभी कलेक्ट करते हैं ऑब्सीडियन एंड सीधा चलते हैं नेदर। फिलहाल जो ऑब्सीडियन है ना वो मेरे को पहले भी कहीं पे दिखा था बट मैं भूल गया कि वो मेरे को कहाँ पे दिखा था। मे बी शायद मेरे को केव के अंदर ऑब्सीडियन पहले भी मिला था लेकिन उस टाइम पे मैं उसको कलेक्ट नहीं कर पाया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्सीडियन तो हमें काफी जगह मिल ही जाता है इजिली। बस मेरे को चाहिए होगी वाटर बकेट, तो जल्दी से पहले वाटर बकेट बनाते हैं एंड अभी बस मेरे को लावा ढूंढना होगा। ऑलराइट तो गाइस फाइनली फिलहाल मैं बैडलैंड्स की तरफ आ चुका हूँ एंड आते ही यहाँ पे मेरे को लावा मिल चुका है। जल्दी से यहाँ पे वाटर डालते हैं। ये कौन सी ओर है, लेट्स गो इसको भी ले लेते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है एंड अब जल्दी से सारा का सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली फिलहाल मैं अपने घर के अंदर आ चुका हूँ एंड अब जल्दी से यहाँ पे ना अपना ऑब्सीडियन का सेटअप सेट करती हैं। ऑलराइट गाइस फिलहाल फाइनली मैंने अपना ऑब्सीडियन का सेटअप तो रेडी कर दिया है, बट पता नहीं कहाँ से ना यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाती हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे स्पॉन हो रही हैं ज़ॉम्बीज, बट जो भी है जल्दी से ना अभी फिलहाल इसको इग्नाइट करती हैं एंड उसके बाद सीधा चलते हैं नेदर के अंदर। लेट्स गो। ऑलराइट फाइनली मैं नेदर के अंदर आ चुका हूँ। अभी नेदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं दिख रहा आज, बट जो भी है लेट्स गो जल्दी से फाइंड करते हैं अभी एंडरमैन को जो कि मेरे को मेनली फॉरेस्ट के अंदर ही मिलेगा। तो जल्दी से पहले तो यहाँ पे फॉरेस्ट ढूंढती हैं। लेट्स गो गाइस फाइनली फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक एंडरमैन तो दिख चुका है, जल्दी से इसको मारती है। वेगा भाग गया। ओके गाइस मेरे हिसाब से ना हम एंडरमैन को गन से नहीं मार सकती हैं, उसको हमें अपने पुराने तरीके से ही मारना होगा जो कि स्वॉर्ड वाला तरीका। तो लेट्स गो जल्दी से उसको मारती है। फिलहाल मेरे को दोबारा से ना एंडरमैन को ढूंढना होगा। अभी इतने बड़े बड़े ज़ॉम्बीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी कितने बड़े बड़े हैं ये और वो भी सीधा तीन तीन मेरे पास आ रहे हैं। लेट्स गो जल्दी से इसको मारते हैं। फिलहाल इसको मारना काफी ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा ना इससे मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्यों ये ना बड़ा अजीब सा दिखता है इसीलिए शायद, बट हाँ मैं इसको इजीली मार दूंगा। लेट्स गो इसका खेल खत्म। अबे यार लेकिन इसने एंडर पर्ल ड्रॉप नहीं की, मेरे को थोड़ा ना और एंडरमैन को ढूंढना होगा। फाइनली फिलहाल यहाँ पे एक और एंडरमैन आ चुका है, जल्दी से इसको मारती हैं एंड लेट्स गो इसका खेल खत्म एंड यहाँ से मेरे को मिल चुका है। जल्दी तू भी देखना मेरी तरफ, मैं कहाँ जा रहा है ये। आगे 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 एक और एंडरमैन है वहाँ पे एंड ये भी आ गया। भाई इनको मारना कितना इजी है यार एंड इसी के साथ मेरे को एक और एंडरमैन दिख गया। भाई एक साथ सीधे चार चार एंडरमैन दिखे हैं एंड इसको भी गुस्सा आ गया एंड ये भी गया। फिलहाल मैं अपने घर के अंदर वापस आ चुका हूँ एंड मेरे पास टोटल 13 एंडर पर्ल हो चुके हैं, तो जल्दी से सारे टर्रेट्स बनाती है। फाइनली फिलहाल मैंने अपने लिए 6 गॉस टर्रेट बना लिए हैं एंड अभी फिलहाल मैं अपने लिए थोड़े से ना कोबलस्टोन वाले टरेट्स भी बनाने वाला हूँ। एक सेकंड ये कहाँ से आ गया भाई, ये पिगलिन यहाँ पे क्यों आ रहा है। शिट यार इसको मेरे को बंद करना होगा, नहीं तो सारे मॉब्स ना यहीं पे आते रहेंगे, बट हाँ इसको मैं बाद में बंद कर दूंगा। सबसे पहले तो अपने सारे टरेट्स बनाते हैं। लेट्स गो अभी फिलहाल जल्दी से बनाते हैं अपने लिए कोबलस्टोन वाला टरेट एंड इनको बनाना सही में काफी ज्यादा इजी होता है, बट हाँ ये काफी ज्यादा काम के होते हैं। फाइनली गाइस अपने पास
26 कोबलस्टोन टरेट्स एंड 6 गॉस टरेट्स आ चुकी हैं। नाम फिलहाल जितना फालतू सामान है ना वो सारा सारा चेस्ट के अंदर रखती हैं। एंड मैं अपनी गन्स ले लेता हूँ। भाई मेरी गन्स कहाँ गई? ओके ये रही। एंड यार पता नहीं मेरे बेस के अंदर ज़ॉम्बीज कहाँ से आ जाते हैं यार, पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो जा रही है ये। पर चलो छोड़ो, जल्दी से ना मैं सारे सारे टरेट्स लगा देता हूँ यहाँ पे। अपना एक टरेट जो है ना वो अपने गेट के ठीक सामने लगाती है, ठीक यहाँ पे। ये लोकेशन सही है। लेट्स गो गाइस। अब फिलहाल मेरा सारा सारा सिक्योरिटी का काम तो कम्प्लीट हो चुका है। मैंने अपने बेस के चारों तरफ अपने टरेट्स लगा दिए हैं। एंड अभी बस मेरे को अपने बेस के आसपास बॉम्ब सेटअप करने हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी मेरे आसपास भी ना आ पाए। अब फिलहाल आज डे 99 है, कल है डे 100। एंड आज रात को ही होने वाला ब्लड मून जो कि लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जल्दी जल्दी सारे बॉम्ब यहाँ पे मैं बिछा देता हूँ। फिलहाल अपने बेस से थोड़ा दूर ही रखते हैं क्योंकि ये लोग जो है ना हो सकता है कि मेरे बेस को भी उड़ा दें, जिनको मैं थोड़ा थोड़ा दूर रखता हूँ। फिलहाल ये वाला जो ब्रिज है ना ये तो खत्म है पूरा, क्योंकि ये जो बॉम्ब्स है ना ये ब्लॉक्स को भी तोड़ देती हैं। पर जो भी है जल्दी चलते हैं अभी बेस के अंदर। फिलहाल मैंने गन्स जो है ना वो अपने बेस के चारों तरफ लगा दिए हैं। एंड अभी ज़ॉम्बीज कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। फिलहाल मेन दिक्कत ये है कि अपने पास ना खाना काफी ज्यादा कम है। एंड अभी मेरे को ना काफी ज्यादा खाना चाहिए। फिलहाल मेरे को अपना सारा सारा खाना पहले यहाँ पे पकाना होगा। एंड आज रात होने से पहले मेरे को ना बाकी सारी की सारी तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि आज लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। फिलहाल चारों तरफ आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी जो हमारी सारी सारी टरेट्स है वो सेट हो चुकी है। फिलहाल अपनी वीट भी ग्रो हो चुकी है। एंड अब जल्दी से ना इससे थोड़े ब्रेड्स बना लेती है। अपने पास 4 ब्रेड्स आ चुकी हैं। जल्दी से सारी सारी शीप्स को मारती है क्योंकि अभी मेरे को ना काफी ज्यादा फूड चाहिए, इसलिए मैं बाहर आया था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा फूड कलेक्ट कर सकूं। जल्दी जल्दी इनको मार के ना सारा सारा फूड कलेक्ट कर लेती है। अभी फिलहाल मेरे को थोड़े और एनिमल्स को फाइंड करना होगा। फाइनली मैं अपने घर के अंदर वापस आ चुका हूं। एंड शाम भी होने वाली है, यानी कि फाइनली ब्लड मून आने वाला है। एंड उससे पहले मेरे को जल्दी जल्दी सारा सारा फूड कलेक्ट करना होगा। एंड मेरे को ना एक बढ़िया सी पोजीशन के ऊपर रहना होगा ताकि सारे सारे ज़ॉम्बीज को मैं पहले देख के मार दूं, क्योंकि ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। एंड हो सकता है कि इस बार वो ब्लॉक्स को भी तोड़ दें। लेट्स गो गाइस। फाइनली फिलहाल रात हो चुकी है। एंड यस फाइनली वो डे आ चुका है, यानी कि डे 100, जिस दिन की ब्लड मून आने वाला था। खैर अभी मेरे सारे सारे टरेट्स भी ऑन हो गए होंगे। एंड यस ये देख पा रहे हो यार, ये सारे सारे मेरे टर्रेट्स जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं चलना। मेरे को भी ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मेरे को भी सारे सारे ज़ॉम्बीज को मारना होगा। वेट, अभी वहाँ पे ब्लास्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके अभी कितना ज्यादा सही लग रहा है। अभी अपने टर्रेट्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, उन्होंने ज़ॉम्बीज को यहाँ तक आने नहीं दिया। बट जो भी है ज़ॉम्बीज तो अभी आना स्टार्ट होंगे क्योंकि अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। एंड उधर देखो कितने सारे टर्रेट्स जो है ना कंटिन्यूअसली ज़ॉम्बीज को मारे जा रहे हैं। वेट गाइस, मैंने अभी अभी देखा कि मेरी ये वाली जो वॉल है ना वो टूट चुकी है। शिट, अभी ज़ॉम्बीज तो यहाँ से अंदर घुस जाएंगे। अभी कितनी तेज आ रही है। वेट गड़बड़ होगी, मेरे हिसाब से ना वो जो बॉम्ब था ना उसने मेरी ये वाली वॉल तोड़ दी है। शिट गड़बड़ होगी, अभी मेरे को इसको रिपेयर करना होगा क्योंकि अभी जो है ना ज़ॉम्बीज का सिर्फ ऐसे फेज 1 आया था, अभी तो इसके 3 फेज बाकी हैं। अभी ज़ॉम्बीज जो है ना वो अंदर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर कर दिया है। शिट यार गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके गाइस, मेन दिक्कत ये है कि ना ये लोग मेरी वॉल तोड़े जा रहे हैं। एंड मैंने अभी अभी देखा कि इन्होंने यहाँ की मेरी वॉल तोड़ दी है। वेट, अभी मेरी मेन गेट की वॉल तोड़ दी ज़ॉम्बीज ने। शिट गड़बड़ हो गई। अभी ये कितने पावरफुल हैं। अभी यहाँ पे डीमोलिशर घुस चुका है। शिट पूरा मेरा बेस बर्बाद कर दिया इन्होंने। अभी यहाँ कितने सारे डीमोलिशर हैं। अभी इतने सारे डीमोलिशर को मैं मारूंगा कैसे? ऊपर से मेरे टरेट्स भी इनको नहीं मार पा रहे हैं। ओके मेरे को ना जल्दी से अपने टावर के ऊपर चढ़ना होगा क्योंकि यहीं से मैं इनको मार सकता हूँ। वीट, अभी कितने ज्यादा है गाइस। तो फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरे को ना यहाँ पे सारे की सारी जगह ना माइंस लगानी होंगी क्योंकि उन्हीं की मदद से मैं इनको मार पाऊंगा, नहीं तो इन सबको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर जगह डीमोलिशर ही आ चुका है। सेकंड, अबे यार ये तो मेरे घर के अंदर घुस जाएगा। वेट, मेरे को हर जगह पे ना यहाँ पे बॉम्ब्स लगाने होंगे। अबे यार मेरा बेस पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। बट हाँ एक चीज है कि मेरे को बस इनको ना ब्लड मून तक रोक के रखना होगा। एक बार ब्लड मून खत्म हो गया देन सारे के सारे ज़ॉम्बीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। बट हाँ एक तो ये रात इतनी लंबी है ना खत्म ही नहीं हो रही है, ऊपर से इन्होंने मेरे बेस की वाली वॉल तोड़ दी है। यार पूरा मेरा बेस बर्बाद कर दिया इन्होंने। अभी ये लोग अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। वेट, मेरे को जल्दी से ना अपने टावर की तरफ जाना होगा। भाई साहब इन्होंने मेरा पूरा का पूरा बेस बर्बाद कर दिया। एंड फाइनली गाइस जो ब्लड मून है ना वो अभी अपने एक्सट्रीम मोड के ऊपर है। फिलहाल गाइस थर्ड वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होगी मेरे को पता नहीं था, मतलब डीमोलिशर लिटरली मेरे सारे ब्लॉक्स तक तोड़ रहे हैं। ओके गाइस, अब मेरे को नहीं पता कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं क्योंकि मेरी सारी की सारी एमओज भी खत्म हो चुकी है। एंड मेरे पास इतना ज्यादा फूड भी नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ को बार बार
रीजनरेट कर पाऊँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं पूरे 100 डे इस वाले वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एमओस भी जो है वो भी खत्म होने वाले हैं। अब बस किसी तरीके से यार सुबह हो जाए, नहीं तो मेरा बचना काफी ज्यादा मुश्किल है कि लिटरली मेरे पास एक भी एमओ नहीं बचा है। यार डीमोलिशर यार मरता ही नहीं है, बॉम्ब तक से नहीं मर रहा। ओके जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं ये, बस यार सुबह हो जाए। गाइस फिलहाल जो मून है ना वो फाइनली नीचे जा रहा है, यानी कि सुबह होने वाली है। मेरे को बस इनको कुछ ही देर तक रोक के रखना, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे ज़ॉम्बीज गायब हो जाएंगे। अब यार प्लीज सुबह हो जाए जल्दी जल्दी। ऑलराइट फाइनली एक चीज अच्छी है कि सुबह हो रही है। यस 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 फाइनली सूरज आ चुका है। ऑलराइट तो गाइस फाइनली यहाँ पे डे 100 का सन आ चुका है। जैसे ही सन आया वैसे ही सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी गायब हो चुके हैं। लिटरली यहाँ पे अभी एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है, यानी कि फाइनली हमने 100 डे सरवाइव कर लिया है, वो भी जिंदा और वो भी ज़ॉम्बीज के वर्ल्ड के अंदर, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल था यार। मतलब उनकी वेव 3 देखी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, उन्होंने लिटरली मेरा पूरा बेस बर्बाद कर दिया। मतलब एंड में जो डीमोलिशर आए ना लिटरली वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। बट फाइनली हमने 100 डे सरवाइव कर लिया है, वो भी जिंदा बिना मरे हमने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया। बड़ा अपने बेस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, इसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, हम जिंदा हैं, बेस तो हम दोबारा बना लेंगे। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है कि आपको ये वाली वीडियो देख me wind and rain, you're some kind of bird.